हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम लैपटॉप में इजीली स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। दोस्तों, कई लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं और कभी ना कभी उन्हें स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत पड़ती ही है, लेकिन हम में से कई लोगों को ये नहीं पता कि हम अपने लैपटॉप में स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। तो आज की ये वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे ईजिली अपने लैपटॉप में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के बिना। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में स्क्रीन में जिस भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है उस चीज़ को हमें ओपन कर लेना है। जैसे कि यहाँ हम अपने लैपटॉप पर चले जाते हैं और जैसे कि मेरे को यहाँ ये इंटरफेस का स्क्रीनशॉट लेना है। दोस्तों, इसके लिए सिंपली हमें अपने कीबोर्ड में चले जाना है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक विंडो की है। उस विंडो की के साथ साथ हमें ऊपर राइट हैंड साइड में प्रिंट स्क्रीन की दिख रही होगी, जिस पर कि PRTSCR लिखा होगा। तो हमें विंडो की के साथ साथ प्रिंट स्क्रीन वाले की को साथ में प्रेस करना है। तो चलिए इन दोनों की को हम साथ में प्रेस कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि जैसे ही हमने प्रिंट स्क्रीन और विंडोज़ की एक साथ क्लिक करी तो हमारा स्क्रीनशॉट सेव्ड हो गया। अब आप में से कई लोग के मन में ये डाउट होगा कि हमने स्क्रीनशॉट तो ले लिया पर ये लैपटॉप में मिलेगा कहाँ। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने लैपटॉप के माय कंप्यूटर में चले जाना है। माय कंप्यूटर में चले जाने के बाद आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पिक्चर्स का ऑप्शन दिख रहा है, हमें यहाँ पर इस पिक्चर के ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने कई सारे फोल्डर आएंगे, तो इनमें से आपको स्क्रीनशॉट वाले फोल्डर पर चले जाना है। यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि हमारा स्क्रीनशॉट जो हम लेना चाह रहे थे, जो कि हमने विंडोज़ की और प्रिंट स्क्रीन की के साथ प्रेस करके लिया था, वो आ चुका है। जैसा कि आपने देखा कि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और सिर्फ दो कीबोर्ड की मदद से मैंने ईजिली स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अगर दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही डेली लाइफ टेक प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ।